लोग बच्चों, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, हिंदी में बोलते हैं अवकलन। आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना है कि अवकलन या डिफरेंशिएशन होता क्या है ना, उसके मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, और वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है ना। पहले ये चीजें समझोगे उसके बाद में हम उस तरफ जाएंगे जहां पर आप लोगों को फॉर्मूलों के यूज से कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, अवकलन है क्या। ठीक, वास्तव में जो अवकलन है या डिफरेंशिएशन है वो किसी भी फंक्शन में एक्स के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर ज्ञात करने की विधि है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बात समझ में आई? यस। यानी एक्स में अगर परिवर्तन हो तो उस एक्स में परिवर्तन के सापेक्ष एफ एक्स में क्या परिवर्तन होता है, इसका अगर रेट निकाला जाए, दर निकाला जाए, तो जो भी आता है, मतलब इस प्रोसेस को, वो दर निकालने की प्रोसेस को, वो रेट निकालने की प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन के रिजल्ट के स्वरूप जो हमें आंसर मिलता है उसको कहते हैं डेरिवेटिव, और हिंदी में बोलते हैं उसे अवकलज। क्या कहते हैं? अवकलज। याद रखना, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में अंतर है। डिफरेंशिएशन या अवकलन एक विधि का नाम है। किसका नाम है? विधि का नाम है, जबकि डेरिवेटिव उसका रिजल्ट है। आई रिपीट दैट कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस, यानी कि विधि है, और इस विधि का जो रिजल्ट होता है उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं इसको मैथमेटिकली आपको बताता हूं, लिख के समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में एक फंक्शन है y is equals to fx। क्या है? y is equals to fx। आपने x में थोड़ा सा चेंज किया है ना, राइट? आपने क्या कर दिया, आपने fx में थोड़ा सा चेंज किया, मतलब आपने x को कहां पर ले गए? डेल x, मतलब आपने x में परिवर्तन किया। परिवर्तन करने का मतलब है कि आप x की वैल्यू को या तो कम करोगे या बढ़ा दोगे। तो आपने क्या करा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये क्या आ गया? fx plus डेल x। अब निश्चित ही अगर आपने x की जगह पर कुछ परिवर्तन किया है तो y में भी परिवर्तन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मान लीजिए कि y में परिवर्तन हुआ डेल y, है ना, जहां पर ये जो डेल x है ये x में परिवर्तन यानी कि चेंज इन x, और ये जो डेल y है ये x में चेंज होने के परिणाम स्वरूप y में परिवर्तन है, यानी कि चेंज इन y है। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। अब यहां पर y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर, अब हम लोग दर निकालेंगे किसकी, y में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। यानी कि we are finding rate, मतलब change in y with respect to x, change in y with respect to x। तो दर का मतलब क्या होता है? दर का मतलब ये होता है कि आपने जो परिवर्तन किया वो क्या, आपने जो परिवर्तन कर दिया था वो ये था बच्चों, y plus del y, ठीक है ना, या बल्कि मैं इसको ऐसे लिखूं, आपने जो परिवर्तन किया वो ये है f x plus del x minus, पहले क्या मान था इस चीज का परिवर्तन y, से पहले f x मान था, है ना। अब ये तो फलन हुआ, अब जो चर राशि थी उसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो उसमें परिवर्तन हुआ x plus डेल एक्स। चर राशि परिवर्तन से पहले क्या थी? केवल एक्स थी, एक्स थी केवल, केवल एक्स थी ना। तो दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटे में कितना, एक्स। और अगर आप ध्यान से देखें
तो वास्तव में एफ एक्स प्लस डेल एक्स है कितना, इसको हमने y प्लस डेल y कह रखा है, y प्लस डेल y कह रखा है, और एफ एक्स को हमने y कह रखा है, तो माइनस का y, ठीक है ना, और ये डिवाइड में x चल ही रहा है, सॉरी x सॉरी ये यहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया, x x कैंसिल होगा, तो ये डेल x और नीचे आ जाएगा डेल x, तो ये y से y कैंसिल और ये राशि क्या आ गई डेल y अपॉन डेल x। तो इसका मतलब ये हुआ कि फलन f में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो ये है आपके सामने लिखा हुआ, ये दिस इज, और इसकी वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dy अपॉन dx, डेल y अपॉन डेल x, d नहीं है ये, डेल है, इसको डेल प्रोनाउंस करते हैं। इट मींस दैट कि जो रेट ऑफ चेंज आया है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वो आया है डेल y अपॉन डेल x बराबर एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल x। ये परिवर्तन की दर है किसमें, f में, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, समझ में आया, और जब इस दर को, इस रेट को x की बहुत ही छोटे चेंज के लिए निकाला जाता है, इट मींस दैट कि व्हेन दिस चेंज मेजर एट लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x plus del x minus f x upon del x del x, मतलब भाई आप परिवर्तन की दर या रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो ना, लेकिन परिवर्तन की दर आप x में बहुत ही माइनर सा चेंज करके निकालिए, मतलब कि जब x बिल्कुल जीरो के करीब हो, मतलब माइनर सा चेंज हो, तो ये तभी निकाला जा सकता है जब आप लिमिट टेंड्स टू जीरो कर दो, क्योंकि लिमिट x del x टेंड्स टू जीरो करने का मतलब ये है कि del x कभी जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के बहुत करीब होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो रेट ऑफ चेंज है इसका बिहेव क्या होगा, जो इसका बिहेव होगा वही वास्तव में अवकलन है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो वास्तव में क्या होगी, डेरिवेटिव होगी या डेरिवेटिव होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट yes. right? और आपने इस लिमिट को मेजर किया, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ये लिमिट क्या कर जाए, एग्जिस्ट, क्योंकि भाई आपने ये निकाला, मान लीजिए लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करी, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उस केस में ये जो डेल वाई बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है, इसको हम लोग लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स, और ये आ जाता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन dx, ठीक है ना। हम लोग ये कब लिखते हैं, जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, क्या कर जाए, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब इस लिमिट का अस्तित्व अगर है तो हम इसको dy by dx बराबर इतना लिखते हैं, और इस dy by dx को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये y का डेरिवेटिव कहलाता है। और जिस प्रोसेस को करते हुए, मतलब हमने देखो पहले रेट निकाला, फिर डेल x टेंड्स टू 0 किया, लिमिट को कैलकुलेट किया, और फिर फाइनली ये जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो dy / dx होगी, तो पूरी की पूरी प्रोसेस करी ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन या अवकलन। तो कभी भी अगर कोई तुमसे पूछे डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम कहना कि एक प्रोसेस होती है, एक विधि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, डेरिवेटिव बनता है, या डेरिवेटिव मिलता है हमें, अवकलज मिलता है, वो डिपेंड करता है। अगर फंक्शन में एफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ एक्स के रूप में है, तो नेचुरली हम एफ में एक्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, ठीक है ना, लेकिन फंक्शन में तो वेरिएबल चेंज भी हो सकता है ना, तो इट डिपेंड्स कि फंक्शन में वेरिएबल क्या है, तो उस फंक्शन को उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकलता है।
तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ये कहें कि x के रिस्पेक्ट ही निकलेगा, हो सकता है कभी y के रिस्पेक्ट में भी निकालना पड़ जाए, हो सकता है कभी a के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ जाए, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन कि फंक्शन कैसा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहां पर एक चीज जो समझने वाली है कि किसी भी फंक्शन का, यानी कि y एक फंक्शन है, अगर वो x के रूप में दिया हुआ है और आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, डेरिवेटिव, तो आपको इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये तो बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंपली इसको इस तरह से भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखते हैं, dy by dx is equals to limit h tending to 0 f x plus h minus fx upon h, मतलब वो del x की जगह x लिख दिया, छोटा छोटा लिख दिया, क्योंकि मतलब तो इसका वही है। यहाँ पर h भी क्या बताता है, x में परिवर्तन, आपने x में थोड़ा सा चेंज किया तो x plus h हो गया, यहाँ पर भी वही था x plus del x और नीचे del x, यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h और h tends to 0, तो these are same thing, these are same, समझ में आई बात, है ना। और ये h tends to 0 है, ये क्या है, h tends to 0, मतलब जब h बिल्कुल 0 की ओर चला जाए तो जो भी इस लिमिट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल मानी जाएगी, dy by dx के इक्वल मानी जाएगी, और dy by dx एक x का फंक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का श्योर कि नहीं, हो गया नोट, ओके। तो आप लोगों ने अभी तक क्या समझा कि डिफरेंशिएशन वास्तव में किसी फंक्शन का उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालने की प्रोसेस है, है ना। और वो रेट ऑफ चेंज अगर इंस्टेंशियल यानी कि बहुत ही माइनर से चेंज के लिए निकाला जाए तो इट बिकम द डेरिवेटिव, वही डेरिवेटिव बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब हमने अभी ये देखा कि dy by dx is equals to limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon h h, और इसे इस तरह से भी लिखा जाता है बच्चों, f dash x is equals to limit h tending to 0 f x plus h minus fx upon h। मतलब dy by dx को लिखने का एक सिंबल ये भी है, क्योंकि नॉर्मली x की वैल्यू होती है y बराबर fx है, तो dy by dx मतलब y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग f dash x से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका एक संकेत भी है। समझ में आया, तो अगर कहीं पर f dash x लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो dy by dx ही कह रहा है आपसे, अलग नहीं कह रहा है, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु x पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो तो हम लोगों को इस लिमिट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी खास बिंदु पर निकालना हो, यानी कि जब x बराबर a हो जाए, यानी कि किसी पॉइंट a पर हमें अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो फंक्शन का, तो हम इस तरह से निकालेंगे, f dash a बराबर लिमिट x tends to 0 f a plus h minus f a upon h। भाई जब x पे निकालना था तो यहाँ x लिखा, यहाँ x लिखा, और अगर a पर निकालना होगा तो यहाँ a लिख देंगे, यहाँ a, मतलब यहाँ पर a लिख दो, तो ये क्या है वास्तव में, डेरिवेटिव ऑफ fx एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, राइट। मतलब इस लिमिट का जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट a पर फंक्शन fx का क्या है, डेरिवेटिव है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का श्योर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, ध्यान देना, ये लिखा आप लोगों ने, अगर आप इसमें इस a प्लस h को थोड़ी देर के लिए, किसको, a प्लस h को थोड़ी देर के लिए x लिख दो, क्या लिख दो, x, तो देखो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, fx जब h tending to 0 तो यहां पर x tends to a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, it means that कि f dash a बराबर हो जाएगा limit x x tending to a
एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. इट मींस दैट कि एफ डैश ए बराबर एक डेफिनेशन ये भी होती है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए. अगर इस लिमिट को इवेल्युएट करेंगे तब भी क्या आएगा, एफ डैश ए ही आएगा, है ना. और इसके लिए हमने क्या किया था, इस लिमिट में एक्स प्लस सॉरी ए प्लस एक्स की जगह पर एक्स लिख दिया था. तो ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के अलग अलग फॉर्म्स हैं. समझ में आए बात. ओके, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग अब एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं. क्या ड्राइव करने जा रहे हैं, फॉर्मूला. हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन बराबर होता है एन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन, वेयर एन बिना कहते हुए रैशनल नंबर कहना चाहिए, इट इज अ रैशनल नंबर, राइट. तो बच्चों हमें ये प्रूफ करना है कि x रेस टू द पावर n का d by by dx कितना होता है n x रेस टू द पावर n. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि यदि y बराबर x रेस टू द पावर n तो d by by dx बराबर होता है n x रेस टू द पावर n माइनस 1. समझ में आई कि नहीं बात, पक्का, राइट, श्योर. अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको y बराबर x रेस टू द पावर n दिया है तो dy बाय dx यानी कि d ऑफ dx x रेस टू द पावर n, जिस भी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय dx. क्या लिखना पड़ेगा, dy dx, ठीक है ना, d बाय dx, d बाय dx, राइट. और ये बराबर होता है, आपको याद होगा, लिमिट h जीरो f x प्लस h माइनस f x अपॉन h. और यहाँ पर f x कौन है बच्चों, x रेस टू दी पावर n, है ना. यहाँ पर जो f x है वो x रेस टू दी पावर n. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f x प्लस h का मान कितना होगा, x नहीं भाई, देखो जब यहाँ x होता है तो यहाँ x आता है, अगर यहाँ x plus h लिखेंगे तो यहाँ पर x plus h की पावर n हो जाएगा. It means that ये ऐसा बन जाएगा x plus h raised to the power n and minus fx की वैल्यू कितनी है, x raised to the power n upon h. बस समझ में आया कि नहीं, yes, पक्का, श्योर. अब जरा ध्यान दो, this is equals to limit h tends to 0. binomial theorem होती है, binomial द्विपद प्रमेय, yes. उस द्विपद प्रमेय से जब इसका प्रसार किया जाता है तो वो ऐसा होता है, x की पावर n plus n c 1 x की पावर n minus 1 h सर ये अपन ने n c 2 सवाल में यूज करी थी इसको, x raised to the power n minus 2 h square plus 2 on, मतलब x की घातें घटती जाएंगी और h की पावर बढ़ती जाएगी और आखिरी में आके h की पावर होगा n और ये माइनस x की पावर n चली रहा है डिवाइड बाय कितना h. कुछ कट रहा है सर, c बढ़ता जाता है x x, यस सर, x से सर x रेस्ट टू द पावर n और x रेस्ट टू द पावर n कट जाएगा, काट दीजिए उसको. और इन सब में देखिए, इन सब में से कुछ कॉमन निकल रहा है, h h h h, यहाँ पर भी है, यहाँ पर h square है, इसके आगे h cube होगा, यहाँ पर h की power n है. तो अगर आप इन सभी में से h common ले लें तो अंदर आएगा n c 1 x raised to the power n minus 1 plus n c 2 x raised to the power n minus 2 into h and dot dot h raised to the power n minus 1 and divide by H, 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 cancel. और जब आप जैसे ही H की जगह जीरो कर देंगे तो इस पहले वाले टर्म को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. तो आपको मिल जाएगा n c 1 x की पावर n माइनस 1 और n c 1 का मान होता है n और ये आ गया n x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1. तो इसका मतलब ये हुआ
कि d by by dx of x raised to the power n बराबर कितना? nx n minus 1. Sure? Yes. पक्का? Yes. कोई doubt? No, sir. कोई doubt नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाए, examples, अगर आपसे ये पूछा जाए कि x की power 5 का d by by dx कितना होगा, sir, तो आप कहेंगे x. 5 को आगे लाइए और x की पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5 x की पावर 4. समझ में आई बात? यस सर. श्योर? यस सर. पक्का? और अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए d बाय बाय dx x की पावर 5/2, तो आप क्या करेंगे? फिर 5/2 को आगे लाइए, x की पावर 5/2 माइनस 1 equals to 5 by 2 into 3 by 2 no, to the power 3 by 2. समझ में आई बात? yes, sir. पक्का? श्योर? आसान है? तो दिक्कत तो नहीं हो रही? no, sir. वेरी. मान लीजिए आपसे कहा जाए कि y बराबर है x की पावर 3 plus x square, तो dy by dx की वैल्यू कितनी होगी? yes, sir. 3x. अगर y बराबर इतना है तो dy by dx की वैल्यू कितनी होगी? 3x की पावर 2 प्लस, यस, 3x की पावर 2 प्लस 2x. मतलब पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे dy by dx 3x की पावर 3x स्क्वायर, फिर ये dy by dx x क्यूब पर, फिर dy by dx x स्क्वायर पर. नाउ इसकी वैल्यू 3x की पावर 2 प्लस x 2x की पावर 1 यानी कि 2x. अब वन थिंग मोर, अनदर थिंग. मान लीजिए बच्चों कि आपको fx equals to a दे दिया जाए. a का मतलब है कांस्टेंट, यानी कि अचर राशि. मतलब आपका जो फलन है fx वो एक अचर राशि हो. तो अब हम ये निकालने वाले हैं कि उस अचर फलन का, मतलब y बराबर अगर ये हो तो उसका dy by dx, मतलब कि d by dx of a बराबर क्या होता है? तो फिर लिमिट उसी तरीके से निकालेंगे, जो है 0 fx plus h minus fx upon h. अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा तो fx बराबर a है, मतलब यहां पर आप कुछ भी लिखो इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो x है ही नहीं. अगर आपने यहां पर x की जगह x plus h लिखा तो भी ये a रहेगा, आपने x लिखा तो भी a ही रहेगा. तो इसका मतलब लिमिट h tends to 0 a minus a upon h, भाई इसकी वैल्यू भी तो a ही आएगी, f x plus h की इसकी वैल्यू भी तो a आएगी, तो a minus a upon h. अब a से कट गया और ये आ गया 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 0. 0 होता है. कांस्टेंट का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं dy by dx of 2, आप बोलेंगे 0, क्योंकि 2 is the constant, ठीक है ना? 2 is the constant. लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको differentiation करना पड़ जाए ऐसा, मतलब constant उसके साथ में multiply में हो, तो फिर constant का differentiation में कोई स्थान नहीं होता है. स्थान का मतलब ये होता है कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है. 3x to minus, क्योंकि आपको याद होगा जब भी हम लोग लिमिट निकालते थे तो कांस्टेंट को बाहर कर देते थे. यस सर. तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये और कुछ नहीं, ऐसा है 2 d by dx of x power 3. तो 2 ऐसे ही बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर. समझ में आया? यस. पक्का? श्योर? नोट करना है? यस सर. मेरे कुछ सवालों का जवाब दो जरा, ध्यान दीजिएगा बच्चों. एवरीवन प्लीज अटेंशन हियर. आकाश. यस सर. मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2x की पावर 3 by 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे d by dx 2x की पावर 3 by 2. आप जानते हो कि अगर x के साथ में कोई अचर पद है तो वो बाहर आ जाएगा. 2dx. तो आप इसको ऐसे लिख दोगे dy by dx 3 की पावर 3 by 2. अब फॉर्मूला यूज करो,
तो उसके अकॉर्डिंग 3/2 आगे आएगा और x की पावर 3/2 में से माइनस हो जाएगा. तो दिस इज ये 2 से 2 कैंसिल, इट्स अ 3 और x की पावर 1/2. ये आंसर आ गया. समझ में आया कि नहीं? मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करिए आप. दो बार dx लगेगा आगे आगे और वो कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, राइट? आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है. दिस इज योर क्वेश्चन. मान लीजिए कि ये y है, तो जब आप dy / dx निकालेंगे तो dy dx करेंगे किसका? x की पावर 5 3x क्यूब और 5. फिर बारी-बारी से ये जो dy / dx है ये x की पावर 5 पे लगेगा, 3 dy / dx 3x क्यूब पे लगेगा और फिर dy / dx 5 पर लगेगा. यस सर. जब आप इन सब चीजों को अच्छे से करना सीख जाएं तो डायरेक्ट इसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई सबके साथ अलग-अलग लगाया. यस सर. गुड. x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन या आपका जो है 0 4 - 3 5 x की पावर 4 - 4, राइट? 5 आ गया है और एक पावर कम स्क्वायर प्लस ये 3 तो कांस्टेंट है, आगे लिया dx फिर 3 आगे आएगा और x की पावर 2 2 एक का हो जाएगा और प्लस ये तो अचर पद है. अचर पद के साथ या कांस्टेंट वैल्यू के साथ अगर x नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, उसका डेरिवेटिव 0 होगा. तो आंसर आया बच्चों 5x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर. बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए जरा, नोट बाद में कर लेना, समझ लो बच्चों पहले, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इनकी मदद से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी. मान लीजिए कि आपको ऐसा कहा जाए कि आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका x plus 1 upon x और फिर x square plus 2 by x का, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, किस में है? मल्टीप्लाई में, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे को हल कर लेंगे, है ना? सेम लेंगे क्या सर? एलसीएम में मल्टीप्लाई करो आपस में एक दूसरे का, सिंपल, राइट? तो देखो जरा, मान लो कि y बराबर आपको ये दिया है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले आप इसको हल करो. x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई फिर x का इसमें, तो ये बन जाएगा नहीं, x का ऊपर ही होगा ना, x का 2/x में, तो x x कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा बस, केवल है ना? यस सर. फिर 1/x का x स्क्वायर में होगा तो 1 x x कट जाएगा और x आ जाएगा, फिर 1/x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/x स्क्वायर आ जाएगा, आया ना? यस सर. हम इसको लिख सकते हैं x की घात 3 प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इनटू x की घात माइनस 2, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई पद नीचे है और उसकी कोई घात है तो ऊपर जब लाते हैं तो घात माइनस में हो जाती है, डिग्री नेगेटिव हो जाती है. तो मतलब y बराबर इतना आ गया, 2x का 0 हो गया, x भी 0 हो जाएगा. 2 प्लस x को 2x नहीं कह सकते, 2 प्लस -4 -3 को ए प्लस के बीच में सर, वो बोल रहा है 2 प्लस x को 2x नहीं लिख सकते. क्यों? x प्लस x 2x होता है, 2 प्लस x 2x नहीं होता है, राइट? आपके पास y बराबर इतना आ गया, जब आप dy / dx करोगे मतलब कि dy / dx ऑफ x क्यूब 2 प्लस x प्लस 2x की पावर माइनस 2. तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब आप सबके साथ बार बार dx मत लगाओ, dy / dx अब डायरेक्ट आप करो. जैसे मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंशिएशन, 3x आगे आएगा और x स्क्वायर 2, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि अचर पद है 1, यस, प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, कैसे? उसकी पावर 1 है, तो 1 आगे आएगा और x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगी, एंड प्लस 2, 2 एज इट इज माइनस 2 आगे आएगा, तो माइनस का 2 और x की घात माइनस 2 माइनस 1, राइट? माइनस 2 और माइनस 1, जो घात थी वो रही, 1 माइनस हो गया, तो आपको मिल गया बच्चों कितना? 3x हमें मिला 3x स्क्वायर प्लस 0, ये तो 0 हटा दो,
और x की पावर 0 मतलब 1 तो 1 into 1 1 right ये प्लस था आगे बढ़ो 2 into minus 2 minus 4 और x की पावर minus 3 इसको हम लिख सकते हैं 3x square plus 1 minus 4 upon x की पावर 3 उसको नीचे सर वहाँ भी खत्म कर सकते हैं कहाँ पर x की पावर minus 3 इसको यहाँ पर आपकी मर्जी लेकिन x की पावर अगर माइनस में है तो आप उसको नीचे ले आइए और पॉजिटिव बना दीजिए लेकिन अगर वो कर देंगे तो आपको वो गलत नहीं होगा पूरा सही माना जाएगा समझ में आई बात श्योर यस पक्का देखो जरा एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं ओके आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अगर y is equals to 1 upon 5 x raised to the power minus 3 by 2 है तो dy by dx की वैल्यू एट x बराबर कितना 25 पर निकालनी है दिस इज द क्वेश्चन मतलब y is equals to इतना है तो हमें dy by dx की वैल्यू किस x बराबर 25 पर निकालनी है इसको ऐसे करेंगे देखो पहले तो आप केवल dy by dx निकालो है ना तो y बराबर आपको दिया है इतना तो आप इसको लिख सकते हो 1 by 5 x की पावर 3 by 2 नीचे माइनस में पावर थी ऊपर जाके प्लस में हो गई हाँ फाइव तो नीचे रहेगा ना वो तो कांस्टेंट है तो dy by dx की जो वैल्यू है वो आएगी 1 by 5 dy by dx कांस्टेंट बाहर आ जाता है कितना है अंदर x की पावर 3 by 2 समझ में आ रहा है कि नहीं पक्का now this is equals to 1 by 5 dy by dx 3 by 2 x 3 by 2 और x की पावर 3 by 2 minus 1 तो ये हो जाएगा 3 upon 10 और x की पावर 1 by 2 और x की पावर 1 by 2 का मतलब होता है 2x root x 1 by 2 का मतलब root x ही होता है ना yes sir है ना yes sir तो मतलब dy by dx का मान कितना आ गया 3/10 √x अब आपको dy by dx का मान निकालना था किस बिंदु पर 25 पर तो आप इसको ऐसा लिखेंगे dy by dx ब्रैकेट x बराबर 25 इसमें x बराबर क्या लिख दीजिए 25 लिख दीजिए तो दिस इज इक्वल्स टू 3/10 √ 25 x की जगह कितना लिख दोगे 25 तो दिस इज इक्वल्स टू 3/10 रूट 25 की वैल्यू 5 3/2 आंसर 3/2 आंसर खत्म यस सर 3/2 वास्तव में आपने क्या करा है dy by dx का मान निकाला है x बराबर 25 पर यानी x की किसी खास वैल्यू के लिए dy by dx निकालना तो इस ऐसा करने के लिए आप पहले पूरा dy by dx निकाल लो जो आंसर आए उसमें x की वो वैल्यू लिख दो तो आपको dy by dx की उस x की वैल्यू पर मान मिल जाएगी या वैल्यू मिल जाएगी समझ में आया यस श्योर साउट कर